हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अब न्यूज अपडेट पर। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जो भी वैकेंसी आती है हम आपको तुरंत अपडेट कर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको जॉब अपडेट, एडमिन कार्ड अपडेट, रिजल्ट अपडेट और साथ में बैंकिंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड अपडेट के बारे में अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे आ चुके हैं ये नोटिफिकेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो रिक्वायर जो वैकेंसी निकली है नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की निकली है, ठीक है। और यहाँ पे आप डेट देखोगे राइट साइड में 1 मई 2023 इसकी डेट है। बात कर ली जाए तो यहाँ पे वैकेंसीज रहेंगी आपकी इंडियन, यहाँ पे आप देखोगे जो वैकेंसीज आई हैं दोस्तों, ये आपकी रहेंगी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर्थ प्रोडक्शन की, जूनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर्थ पी एंड यू की, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर पी एंड यू ओ एंड एम, यानी इन ये पोस्ट रहेंगी आपकी। और जो वैकेंसी रहेंगी जैसे यहाँ पे आप पोस्ट कोड देखोगे 201 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन की, यहाँ पे ये गुजरात में वैकेंसीज हैं और हल्दिया में हैं। 47 वैकेंसीज हैं गुजरात में और 7 वैकेंसी हल्दिया में। यहाँ पे 202 नंबर पे देखोगे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर्थ पी एंड यू में गुजरात में 7 है और हल्दिया में 4 है सेम पोस्ट की, यानी पी एंड यू एंड ओ एंड एम की, ठीक है दोस्तों। ये जो 203 नंबर वैकेंसीज है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ पी एंड यू एंड ओ एंड एम, ठीक है। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 4 है। अब बात कर लेते हैं कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें इसके फॉर्म निकल चुके हैं, आप इसके 1 मई से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके लास्ट डेट के बारे में आपको अपडेट कर देता हूँ। आपको बता दें इसमें जो क्वालिफिकेशन रहती है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ प्रोडक्शन पोस्ट कोड 201 के लिए 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियर, या 3 ईयर्स BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, ये यूनिवर्सिटी से, विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और 45% होने चाहिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए। ये होने चाहिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन में, ठीक है, पोस्ट कोड 201 में। अब बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर्थ IV PNU में 202 पोस्ट कोड रहेगा, 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग / डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और या मैट्रिक विद ITI फीटर ऑफ मिनिमम 2 साल का 2 साल ड्यूरेशन वाली, और BSc मैथ या BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, अलोंग विद बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स विद सेकेंड क्लास, ठीक है, और नेशनल अप्रेंटिस बॉयलर अटेंडेंस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट। यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन दे दी गई है, ये जो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट IV एंड PNU 202 नंबर है गुजरात रिफाइनरी के लिए। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर की पोस्ट कोड 203 की, जिसमें आपकी रहेंगी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और PNU एंड ONM 203 पोस्ट कोड रहेगा, 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 50% मार्क्स और जनरल EWS OBC कैंडिडेट एंड 45% इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट्स के लिए। ये क्वालिफिकेशन है, पोस्ट मैंने आपको बताई दी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट के बाद मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज शैल बी 26 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट एज ऑन 30 अप्रैल 2023, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी, और एज इलेक्शन एज पर गवर्नमेंट रूल रहेगा। और जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे आप देखोगे टोटल इंडिकेटिंग अप्रेज लिमिट इन ईयर एज ऑन 30 अप्रैल 2023, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये दी पूरा डिटेल देख सकते हो। अगर इसकी चेक करी जाए तो यहाँ पे आपका जो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपको भरने होंगे, जो लास्ट डेट होगी दोस्तों इसकी अप्लाई करने की 30 मई होगी, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आए हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन के लिए,
आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 1 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 मई 2023 इसकी रहेगी। अब 5 PM तक आपको ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा और चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको आफ्टर सिक्स जब आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन एंड ऑनलाइन फी भी पेमेंट हो जाएगी। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सेंड द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट टू द कस्टम्स अथॉरिटी का वो भेजना होगा एट द रिफाइनरी अप्लाइड फॉर एज मेंशन टेबल क्लास नंबर P। ठीक है, आपको प्रिंट आउट लेना है फॉर्म का जो आपका ड्यूली साइन होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ अंडर सेल्फ रजिस्ट्रेशन सेल्फ टेस्ट कॉपी ऑफ फ्लोइंग डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ लगा के भेजने हैं जो है अच्छी तरह पढ़ लेना है। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा और चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपको जो एप्लीकेशन जो भेजने की लास्ट डेट 10 जून है दोस्तों, 10 जून से पहले आपको पहुँचना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।